कि आप नेबिला के बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेबिला है क्या और यह कैसे काम करता है और इसमें क्या क्या बातें हैं। इसकी कुछ सच्ची सच्ची बातें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नेबिला को हिंदी में निहारिका के नाम से जाना जाता है। तो आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि यह निहारिका है क्या। नेबिला ब्रह्मांड में मौजूद धूल, कण और अरनाइस गैस के बादल भी होते हैं। निहारिका में तारे और ग्रह मंडल जन्म लेते हैं, यानी कि आप आसान भाषा में कह सकते हो निहारिका में तारे और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति वहीं से हुई है। इन निहारिका क्षेत्र में धूल, गैस, अन्य सामग्रियों की संरचना आपस में परस्पर आकर आकर्षित होकर जुड़ जाती हैं और यह एक बहुत बड़ा ढेर बना लेती है, और यह बड़े ढेर अन्य धूल और गैस को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक बहुत ही बड़े तारे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम निहारिका के साइज के बारे में बात करें तो मिलियंस ऑफ लाइट से दूर फैले होते हैं, यानी कि इनकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती और ना ही इनकी कल्पना की जा सकती है। और यह निहारिका के बादल बहुत ही हल्के और कम चमकदार होते हैं, यानी कि एक नेबिला पृथ्वी का आकार जैसा होगा तो वह कुछ किलोग्राम ही भारी होगा। कुछ नेबिला बड़े तारों से मरने से, जो कि सुपरनोवा घटना होती है, की वजह से बचते हैं। जब एक बड़ा तारा अंतिम समय तक होता है तो तारे में एक भयंकर विस्फोट से उसके कण बादल के रूप में फैल जाते हैं, जो कि एक नेबिला ही होता है। और यह नेबिला हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक वाला नेबिला है, जो कि 13 वर्ष प्रकाश दूर है। आने वाले 5 साल के बाद हमारा सूर्य एक ग्रह निहारिका में परिवर्तित हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया निहारिका के बारे में, आखिर निहारिका का काम क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।